आपको जीरो फ्रेंचाइजी फीस में फ्रेंचाइजी दे रही है, जीरो रॉयल्टी बिजनेस मॉडल है, मतलब आपसे बाद में कोई रॉयल्टी भी चार्ज नहीं करती है। जिप जैप जुप आपको करते हुए यहां पर आपको सर्विस क्वालिटी प्राइसिंग हर चीज मिलने वाली है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी बताओगे इस चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज देखने को मिलते हैं और मैं बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के पास जाता हूं और आपके लिए नई नई फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता हूं। दोस्तों इसी दौरान मेरे कुछ सब्सक्राइबर का कमेंट आता है और कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती है, वो मुझसे कहते हैं कि मुझे कोई बहुत ही कम कीमत में फूड बिजनेस आइडिया या फूड फ्रेंचाइज बताओ। दोस्तों अगर हम फूड फ्रेंचाइज की बात करें तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट ही इसकी जो होती है 5 लाख 7 लाख 10 लाख या उससे ऊपर की होती है और इनकी फ्रेंचाइजी फीस ही 2 लाख 3 लाख से शुरू होती है। तो दोस्तों ऐसे में जब मेरे पास ये डिमांड आई कि मैं उनके लिए कोई लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया सर्च करूं, तो जब मैं सर्च कर रहा था तो सर्च करते हुए मुझे एक ऐसा बिजनेस आइडिया मिला जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है और ना ही केवल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है बल्कि एक अमेजिंग और सुपर फैंटास्टिक बिजनेस आइडिया मुझे मिला। और जब मैंने इसे गूगल पर रिव्यू चेक किए तो 400 से ज़्यादा लोगों ने इस पर 4 स्टार प्लस का रिव्यू दिया हुआ है, मतलब कि लोगों की पसंद का बिजनेस था। बेसिकली ये वो बिजनेस है जो लोगों की रिक्वायरमेंट भी है, साथ ही साथ लो इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहोगे बिजनेस कौन सा है और कौन से वो फूड बिजनेस की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो आपके लिए एक जबरदस्त हो सकता है? जी हां दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जूप कैफे की, जो कि गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है और वहां पर लोग इसके फैन है। अब क्यों फैन है इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइज बताओ, आज आपको एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो फूड इंडस्ट्री की दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम फूड इंडस्ट्री में क्या होती है? दोस्तों अगर आप कोई रेस्टोरेंट या फास्ट फूड कैफे खोलने की सोच रहे हैं तो आपके सामने जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो पहली प्रॉब्लम यह आती है कि आप शेफ कहां से लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शेफ एक बड़ी समस्या है। आज सपोज करिए आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया और कुछ दिनों बाद आपका शेफ छोड़ के चला जाता है तो आपका रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूप कैफे ने इस शेफ की समस्या का पूरी तरीके से समाधान कर दिया है। आप लोगों को एक शेफलेस फास्ट फूड कैफे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी है जूप कैफे ने। दूसरी बड़ी समस्या दोस्तों, दूसरी बड़ी समस्या है टेस्ट को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, एक जैसी क्वालिटी हमेशा बनाना। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वही फ्रेंचाइजीज या वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो कि आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, भले आप मुंबई में चले जाएं या फिर कन्याकुमारी चले जाएं, मतलब किसी भी स्टोर में चले जाएं, हर जगह आपको एक जैसा टेस्ट मिलेगा। मतलब एक सिस्टम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं और जूप कैफे ने ऐसा ही किया है, सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है। आप इनके किसी भी कैफे में जाएंगे आपको एक जैसी क्वालिटी मिलेगी, बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी और इसी वजह से इनको गूगल पर इतने अच्छे रिव्यूज मिलते हैं और आप भी जूप कैफे सर्च करके देख सकते हैं, आपको इनके रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या और रहती है जिसकी वजह से बिजनेस स्केल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ नहीं पाता। दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट जो नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी प्राइसिंग ज्यादा होती है, ओवर प्राइसिंग, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट महंगी पड़ रही है, आपको उनको बनाने की कॉस्ट महंगी पड़ रही है, हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको अलग से शेफ रखना पड़ रहा है तो शेफ कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपके अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी है तो आप अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचेंगे भी महंगा और इस वजह से आप मार्केट में कॉम्पिटिशन में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जूप कैफे जो कि एक नो शेफ किचन मॉडल है, यहाँ पर आपको हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे और दोस्तों सस्ता होने की वजह से ये लोगों में बड़ा ही फेमस भी है और क्वालिटी होने की वजह से यहाँ पर रिपीट कस्टमर्स भी होते हैं। दोस्तों जूप कैफे के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत अच्छी है और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, तो आइए हम जानते हैं वो क्या रीजन है। जानने से पहले दोस्तों एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दोस्तों जब भी आप मार्केट में किसी स्टोर पर बार बार जाते हैं, मतलब बार बार परचेजिंग के लिए जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या रहता है? उसके पीछे जो मेन रीजन होते हैं वो होता है प्राइसिंग और दूसरा क्वालिटी एंड सर्विस। यही तीन मेन रीजन होते हैं कि आपकी प्राइसिंग आपके पॉकेट फ्रेंडली है, दूसरा वहां की क्वालिटी एंड सर्विस अच्छी है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए कि आप पहले प्राइस पे फोकस करिए और क्वालिटी और सर्विस पे फोकस करिए। अगर आप क्वालिटी और सर्विस के साथ प्राइस को मैच कर देंगे तो आपका बिजनेस अपने आप आगे बढ़ जाएगा और ये आप लिख लीजिएगा अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो, आपके लिए बहुत ही ज्ञान की बात है। और जूप कैफे ने इसी चीज को रिलीजियसली फॉलो किया और इसी वजह से लोग इनके कैफे में बार बार आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों प्रॉपर एसकीयूज होना,
जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी होना, तो जूप कैफे के पास 30 प्लस वैरायटीज हैं प्रोडक्ट्स की। और ये कौन कौन सी वैरायटी है, इनके मेन्यू में क्या क्या है, ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं जूप कैफे की बात करूँ तो जूप कैफे ना कि सिर्फ ग्राहकों की पसंद है बल्कि फ्रेंचाइजीज के लिए भी ये बहुत ही पसंदीदा ब्रांड है। इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? इसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न है कि एक जो सबसे बड़ी हेडेक है वो कुक इन्होंने हटा दिया है। रेडीमेड फूड आता है, प्री कुकड फूड आता है, आपको उन्हें केवल हीट करना होता है और सर्व करना होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यही मॉडल आज के दिन बड़े से बड़े ब्रांड अपना रहे हैं। आप भले मैकडी की बात कर लीजिए, बर्गर किंग की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम मैं यहाँ पर गिनवा सकता हूँ जहाँ पर दोस्तों जो बेस प्रोडक्ट होता है वो प्री कुकड होता है, उन्हें आपको केवल फ्राई और हीट करना होता है और उसके बाद वो रेडी टू सर्व होते हैं। और इनमें जो टेक्निक और टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है वो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है कि आपको फूड की क्वालिटी और फूड का टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों रेडीमेड और प्री कुकड होने की वजह से ग्राहकों के लिए सर्विंग टाइम बच जाता है। ग्राहक आपको ऑर्डर करेगा और आपके पास सर्विंग तुरंत आ जाएगी तो आपकी सर्विस अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी हर बार ग्राहक को एक जैसी मिलेगी तो ग्राहक आपकी वाहवाही करेगा। इसी वजह से ये दोस्तों फ्रेंचाइजीज की भी पसंद बना हुआ है। और यहाँ पर आपको जो वैरायटीज मिलने वाली है, आइए मैं आपको वैरायटी की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको वैरायटी क्या क्या मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर वैरायटी की बात करूँ तो आपको 5 तरीके की पिज्ज़ा मिलने वाले हैं, रोल्स और फ्रेंकी मिलने वाले हैं 4 तरीके के, बर्गर मिलने वाले हैं 6 तरीके के, मोमोज आपको मिलेंगे 4 अलग अलग वैरायटीज के, चाइनीज आइटम मिलेंगी 2 अलग अलग वैरायटी की, मुंबई वड़ा पाव मिलेगा 4 अलग अलग वैरायटी का, समोसा मिलेगा, पाव भाजी, फ्रेंच फ्राइज अलग अलग वैरायटीज की 4 अलग अलग वैरायटीज की, मिल्क शेक्स मिलेंगे, मॉकटेल्स मिलेंगे, और इतना ही नहीं दोस्तों यहां पर आपको चाय भी मिलेगी और पानी पूरी भी मिलेगा 4 अलग अलग पानी के फ्लेवर्स के साथ। मतलब कि यहां पर एक वास्ट वैरायटी है, हर तरीके के कंज्यूमर का, हर तरीके के ग्राहक का ध्यान रखा गया है जूप कैफे में। जिप जैप जूप आपको करते हुए यहां पर आपको सर्विस, क्वालिटी, प्राइसिंग हर चीज मिलने वाली है। तो है नहीं एक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी? अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना कुछ बता दिया, इतना सारा प्रोडक्ट है, इतना आप अच्छी तारीफें कर रहे हो, लेकिन दोस्तों यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी, जगह कितनी चाहिए कि इसको खोलने में? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं केवल 150 से 200 स्क्वायर फीट जगह में आप जूप कैफे खोल सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए रखा गया है। और सबसे खास बात, आप विदाउट सेफ इस बिजनेस मॉडल को चलाते हैं तो कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉई के साथ आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। और अगर कभी एम्प्लॉई छुट्टी पर होता है और अगर आप खुद स्टोर हैंडल कर रहे हैं तो आप भी इस स्टोर को विदाउट एम्प्लॉई भी चला सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने आपको एरिया रिक्वायरमेंट बताई, मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताया, लेकिन दोस्तों यहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? तो दोस्तों इनके दो अलग अलग बिजनेस मॉडल है, एक मिनी बिजनेस मॉडल, एक कैफे बिजनेस मॉडल। दोस्तों अगर हम मिनी बिजनेस मॉडल की बात करें तो नॉर्मली एक ठीक ठाक से ब्रांड की इतनी फ्रेंचाइजी फीस होती है जितने में कि आप इस ब्रांड को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कंपनी आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं चार्ज करती है, कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करती है। एक मिनी मॉडल आप आसानी से 1,75,000 रुपए में शुरू कर लेंगे। और अगर आप कैफे मॉडल में जाना चाहते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, यहां पर इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की आएगी। लेकिन दोस्तों 2.5 लाख भी एक लो इन्वेस्टमेंट ही है। 2.5 लाख रुपए में आप कैफे मॉडल और 1.25 लाख रुपए में आप मिनी मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से ये फ्रेंचाइजीज की पहली पसंद है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया जूप कैफे के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर हम वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं जहां पर लोग रिपीटेड व्यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये समझिए कि ये कंपनी आपको क्या दे रही है। आपको 0 फ्रेंचाइजी फीस में फ्रेंचाइजी दे रही है, 0 रॉयल्टी बिजनेस मॉडल है, मतलब आपसे बाद में कोई रॉयल्टी भी चार्ज नहीं करती है। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये बिजनेस मॉडल आपके लिए कितना अच्छा है? और अगर आप ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजीज हैं तो क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपने कभी भी जूप कैफे में जाकर इनका खाना टेस्ट किया है तो वहां पर आपको खाना कैसा लगा, क्या क्या आपको वैरायटी मिली, उनकी प्राइसिंग कैसी है, ये सब आप मुझे बताएं। क्योंकि दोस्तों यहां पर मैंने जितना भी कुछ नोट किया है, प्राइसिंग भी अच्छी लगी और क्वालिटी भी, जो कस्टमर रिव्यू मुझे मिले उसके हिसाब से क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जब इतना कुछ है, क्वालिटी है, प्राइस है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आपको कोई रॉयल्टी नहीं देनी, कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दे दी है, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। पहले से आपको सारा का सारा फूड प्रिपेयर होकर मिलता है, आपको केवल और केवल एक एसओपी, एक
सीखनी है कि किस तरीके से आपको वो पूरा रेडी करना है, कोई रेसिपी का झंझट नहीं है, रेसिपी सारी कंपनी देख रही है, आपको केवल और केवल उनकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे फोकस करना है और लोगों को सर्व कर देना है। लोग आपकी तारीफ करेंगे, बार बार आपके पास आएंगे और इसी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो आइए समराइज कर लेते हैं और जानते हैं कि आज के इस जूप कैफे वीडियो में मैंने आपको क्या क्या खास बातें बताई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है। दूसरा, यहाँ पर आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं की जा रही है, आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस चार्ज नहीं की जा रही है, आपको रेडीमेड फूड प्रिपेयर होके मिलता है, एक नो शेफ बिजनेस मॉडल है ये। तो और दोस्तों सबसे खास बात, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो भी मेन्यू है उस मेन्यू में जितने भी आइटम हैं सारे आइटम्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और इसके लिए आपसे कोई भी अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लिया जाता। जीरो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर आपको ये सारा मेन्यू आपकी दुकान तक मिलता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, चूंकि आप अगर फूड बिजनेस में नए हैं आपको ये नहीं पता किस तरीके से सर्व करना, तो दोस्तों 100% ट्रेनिंग और सपोर्ट भी आपको जूप कैफे की तरफ से मिलता है। कंपनी अपनी फ्रेंचाइजीज का बहुत ध्यान रखती है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आए, रेगुलर वहां पर ग्राहक आए, पसंद करें, आपसे फीडबैक लिया जाता है, ऑडिट किया जाता है, हर चीज कंपनी करती है आपके लिए। तो आप जूप कैफे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और अगर आपको ये मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं मास्टर फ्रेंचाइजी ले लूं और मास्टर फ्रेंचाइजी लेकर मैं अपने इलाके में जूप कैफे खोलना शुरू कर दूं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको 5-7 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको जूप कैफे की मास्टर फ्रेंचाइजी दे दी जाएगी और आप अपने अंडर में फ्रेंचाइजीज बना सकते हैं। तो ये है ना एक अमेजिंग बिजनेस मॉडल। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए इस वीडियो को, लोगों को बताइए कि एक ऐसा भी बिजनेस है जहां पर आपके लिए ध्यान रखा जाता है, जहां पर आपकी प्रायोरिटीज हैं, जहां पर आपके लिए काम किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग बिजनेस मॉडल और ऐसे ही अलग अलग बिजनेस आइडियाज आपको रेगुलर देखने के लिए मिलेंगे, कहां, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने फ्रेंचाइजी बताओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और आपका एक लाइक और शेयर बनता है सर। यहां पर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको और क्या चाहिए। वैसे ही वीडियोस आपको आगे से मिलेंगे, कहां, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर। मैं हूं आशीष अग्रवाल, नाम ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।